अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके वीडियोस की अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश शेयर केयर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्ट्रिक्स का ब्लू कलर कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं सिंपल मेथड यूज़ करने वाला हूँ। पहले इनका मैं कट करना है, उनको लेंथ थोड़ी शॉर्ट करनी थी, इसलिए हम लोग उनकी लेंथ शॉर्ट कर उनके बालों के ऊपर ब्लू कलर करेंगे। तो वर्जिन हेयर है, बालों में कुछ नहीं, प्रीवियस एक कलर हो चुका है ऑलरेडी, आपको दिख रहा होगा वो मैंने किया था, गोल्ड में था वो। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके बालों को पहले प्रलाइटनिंग करके देंगे। मैं बाकी की तरह ने वीविंग टेक्निक यूज़ करके, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉन्ड स्टूडियो का लेवल 8, उसके साथ 40 वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ। और मैं फॉइल में सारी चीज़ें, यानी जो भी छोटे छोटे सेक्शन लेके व्यू करके प्रीलाइटनिंग यानी ब्लॉन्ड स्टूडियो लगा रहा हूँ। और उसे लगा के एक 15-20 मिनट रखूँगा, क्योंकि ये जल्दी डेवलप हो जाता है। तो हमें इसे लेवल 9 या 10 तक लेके जाना है, उसके बाद हम लोग बस ग्रीन कलर डिपॉजिट करेंगे। तो एकदम ईजी टेक्निक है, देखो ये आता है वंडर ब्लू स्ट्रिक्स का फंकी कलर, तो ये यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए कोई डेवलपर नहीं लगता है, याद रखो, इसके लिए कोई डेवलपर नहीं लगता है, आपको डायरेक्टली ये कलर लगाना होता है। जैसे सेक्शन निकाला, और आप इसे वेट हेयर में भी लगा सकते हो, ड्राई हेयर में भी लगा सकते हो। बट अगर जिनको ज़्यादा प्योर ब्लू चाहिए, तो वो लोग पूरे बाल ड्राई कर कर ही ये कलर अप्लाई कीजिए, तो आपको प्रॉपर ब्लू मिलेगा। इनको इतना प्रॉपर ब्लू नहीं चाहिए था, इसके वजह से मैं गीले बालों के ऊपर ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको अगर ज़्यादा ब्लू चाहिए, तो आप बाल पूरे ड्राई करो, देन ये कलर डिपॉजिट करो। एक 15-20 मिनट या 25 मिनट तक या हाफ एन आवर तक भी इसे रख सकते हो, और उसके बाद ये अच्छे से मर्ज, यानी अच्छे से कलर आपका, आपको जो डिज़ायर शेड चाहिए वो मिल जाएगा। तो बहुत ईजी टेक्निक है, प्रलाइटनिंग करना है, छोटे छोटे सेक्शन लेके उसके बाद आपको वो सेक्शन निकालना है और उसके ऊपर डिपॉजिट करना है। अगर ज़्यादा आपको ब्लू चाहिए, तो आप इसे पूरा ड्राई करके फिर डिपॉजिट कर सकते हो। एकदम ईजी टेक्निक है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और आप ईजीली आपको जैसे भी फंकी कलर चाहिए अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट को कभी भी बोलना है कि आपको जो भी कलर प्रोटेक्शन का शैम्पू हो वही यूज़ करना है, तो ये कलर जल्दी फेड नहीं होगा। इनकी लास्टिंग 8 वीक तक रहती है, उसके बाद ये कलर फेड होना स्टार्ट होता है। तो जब भी आप ऐसे फंकी कलर करते हो, तो क्लाइंट को आपको बोलना है कि आपको कलर प्रोटेक्शन के शैम्पू लेने चाहिए। तो लॉरियल में विटामिनो कलर करके शैम्पू आता है, वो भी अच्छा है। सॉसकॉप में कलर सेव करके आता है, वो भी अच्छा है। और मैट्रिक्स में अगर यूज़ करोगे, तो कलर लास्ट करके एक प्रोडक्ट आता है, यानी कलर का शैम्पू आता है, उसका एक कंडीशनर। तो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो आपका कलर फेड होने के चांसेस भी बहुत कम है। और अभी देखो, इनका वॉश होते ही हम लोग, यानी इसके 15-20 मिनट रखेंगे, उसके बाद वॉश करके आपको इनका मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। तो बहुत ईजी टेक्निक है, ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं, छोटे छोटे सेक्शन लेके बस प्रलाइटनिंग किया है, और जैसे मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ और उसके ऊपर ही आपको कलर डिपॉजिट करके दिखा रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कलर्स में, बस प्रलाइटनिंग करो और कलर डिपॉजिट करो। इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, अब तक और स्ट्रिक्स ने और 2-4 कलर लॉन्च किए हैं, उसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल जो कलर अवेलेबल थे मेरे पास, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, और एक पर्पल कलर आता है, ये 3 आते हैं। बट और इन्होंने 2-3 कलर और लॉन्च किए हैं, शायद पिंक और 2-3 कलर है, उसे मैं एग्जैक्ट मालूम नहीं है। बट वो होते मैं आपको वो पूरा डिटेल मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन से और कलर स्ट्रिक्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों देखो, मैं छोटे छोटे सेक्शन करके लगा रहा हूँ। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना कि आपको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, तो उसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, और भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। बहुत लोग जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और उनके जो भी काम है मुझे भेजते हैं, तो अच्छा लगता है कि कुछ लोग सीख रहे हैं मेरे वीडियोस देख के। तो आप भी सीख रहे हो, तो ज़रूर इंस्टाग्राम में मुझे टैग ज़रूर करना, तो मुझे भी पता चलता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। और ये वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ, तो जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसे नहीं जाएंगे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों देखो, ये 35 मैंने 30 मिनट रखा है इसे, उसके बाद मैंने ये वॉश किया है। तो देखो कितना अच्छा उनके हेयर्स के ऊपर कलर आ रहा है, एकदम प्रॉपर लाइंस आ रहे, वेव्स आ रहे। मैंने कुछ हटके ट्राई किया, बहुत लोग ऐसे चंक्स करते हैं, मैंने मेरा पहला वीडियो भी था इसके ऊपर जिसपे मैंने चंक्स किए थे,
और वो भी डिटेल में वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो ये वाला वीडियो जो है वो कुछ लोगों का रिकमेंड था कि आप ऐसा वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप भी ये इजीली अचीव कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं। बस प्रोलाइटनिंग करो, डिपॉजिट करो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और इस कलर में कुछ नहीं रहता, फंकी कलर में आप इजीली अचीव कर सकते हो आपको जो कलर चाहिए वो। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम प्रॉपर लाइंस में किया है मैंने। तो और भी इसमें अलग अलग टेक्निक आते हैं, कोई कुछ लोग नेप एरिया में भी करते हैं पूरा। मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी वीडियो डाला है जो मैंने नेप पे उनके कलर किया था, और देखो कैसे लाइंस दिख रहे हैं इनके ऊपर। एकदम ईजी टेक्निक है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और देखते रहना अविनाश हेयर केयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे अविनाश हेयर केयर। थैंक यू सो मच।